इंडिया में 10 लाख रुपए के अंदर आने वाली सबसे छोटी एसयूवी गाड़ियां कौन कौन सी हैं, तो आज मैं आपको 10 गाड़ियां बताऊंगा और आपको पता लग जाएगा कि इस लिस्ट से कि सबसे छोटी एसयूवी कार कौन सी है और उससे बड़ी कौन सी और उससे बड़ी कौन सी। तो सबसे पहले मैं आपको 10 लाख रुपए के अंदर आने वाली सबसे बड़ी एसयूवी कार बताऊंगा, वो है टॉप लिस्ट प्रोवाइडर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। किया सेल्टोस। ये कार 5 सीटर एसयूवी कार है और इंडिया में डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन के ऑप्शन में मिलती है। गाड़ी की लंबाई है 4315 mm की और चौड़ाई है 1800 mm की। यानी लंबाई में ये कार 4315 mm की है और चौड़ाई में 1800 mm की है। इसमें 1.4 और 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है, यानी पेट्रोल में दो इंजन के ऑप्शन, और डीजल में सिर्फ एक इंजन का ऑप्शन मिलता है जो कि 1.5 लीटर वाला डीजल इंजन है। और गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 9,89,000 रुपये से लेकर 17,34,000 रुपये तक की। अब इससे थोड़ी छोटी कार जो आई है वो है हुंडई क्रेटा। ये 5 सीटर एसयूवी कार है और इंडिया में डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन के ऑप्शन मिलती है। जैसा किया सेल्टोस मिलती है, बिल्कुल ये भी ऐसे ही मिलती है, लेकिन इसकी लंबाई उससे कम है जो कि 4300 mm की है और चौड़ाई भी कम है जो कि 1790 mm की है। यानी ये कार लंबाई और चौड़ाई में किया सेल्टोस से कम है और इस कार में बिल्कुल किया सेल्टोस वाले ही सेम इंजन मिलते हैं, 1.4 और 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन। कार की कीमत है 9,99,000 रुपये से लेकर 17,20,000 रुपये तक की। अब इससे छोटी एसयूवी कार आई है मारुति एस्क्रॉस। ये 5 सीटर क्रॉसओवर कार है। ये कार पहले तो इंडिया में सिर्फ डीजल इंजन के ऑप्शन में मिलती थी, लेकिन अब ये पेट्रोल इंजन में भी लॉन्च होने वाली है। अभी हुई नहीं लेकिन होने वाली है। इसकी लंबाई है 4300 mm की और चौड़ाई है 1785 mm की। यानी ये कार लंबाई में तो बराबर है क्रेटा के, लेकिन चौड़ाई में कम है। और इसमें 1.3 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता था, लेकिन अब इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा। गाड़ी की कीमत थी 8,80,000 रुपये से लेकर 11,43,000 रुपये तक की। इससे बाद में आई है होंडा WRV। WRV भी 5 सीटर एसयूवी कार है और इंडिया में डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन के ऑप्शन में मिलती है। इसकी लंबाई है 3999 mm की, जो कि एस्क्रॉस से कम है, और चौड़ाई है 1734 mm, यानी चौड़ाई भी कम है। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन और 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। गाड़ी की कीमत है 8,08,000 रुपये से लेके 10,48,000 रुपये तक की। इससे भी छोटी कार आई है फोर्ड इको स्पोर्ट। ये 5 सीटर एसयूवी कार है और इंडिया में डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन के ऑप्शन में मिलती है। इसकी लंबाई 1 mm कम है WRV से, जो कि 3998 mm की है, और चौड़ाई 1765 mm, लेकिन चौड़ाई ज़्यादा है इको स्पोर्ट की। इसमें आपको 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन और 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। कार की कीमत है एक शोरूम कीमत जो है 8,04,000 रुपये से लेकर 11,66,000 रुपये तक की। अब आइए महिंद्रा XUV300। ये 5 सीटर एसयूवी कार है और इंडिया में ये कार भी डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन के ऑप्शन मिलती है। इस कार की लंबाई है 3995 mm की, जो कि 4 mm कम है इको स्पोर्ट से, लेकिन चौड़ाई इसकी ज़्यादा है जो कि 1821 mm की है। यानी ये कार चौड़ी काफ़ी है। चौड़ाई में तो इस कार ने किया सेल्टोस को भी पछाड़ दिया, लेकिन इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन और 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 8,30,000 रुपये से लेकर 12,69,000 रुपये तक की। अब आइए मारुति विटारा ब्रेजा। ये कार इंडिया में सिर्फ अब पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलती है, जिसमें कि इसकी लंबाई बिल्कुल सेम है जितनी XUV300 की है, जो कि 3995 mm की है। इसकी चौड़ाई इससे भी ज़्यादा है, जो कि 1890 mm की है। यानी XUV से भी ज़्यादा चौड़ाई है इसकी 1890 mm की। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है। गाड़ी की कीमत है 7,34,000 रुपये से लेके 11,40,000 रुपये तक की। तीसरे नंबर पर कार आई हुंडई वेन्यू। वेन्यू एक 5 सीटर एसयूवी कार है और ये कार भी इंडिया में डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन के ऑप्शन मिलती है। बल्कि सारी एसयूवी गाड़ियाँ डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन के ऑप्शन में ही मिलती हैं। इसकी लंबाई है 3995 mm की, यानी लंबाई है, और चौड़ाई है 1770 mm की।
इसमें 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, यानी इसमें पेट्रोल में दो इंजन के ऑप्शन और डीजल में सिर्फ एक इंजन का ऑप्शन जो कि 1.5 लीटर डीजल इंजन है। कार की कीमत 6,69,000 रुपये से लेकर 11,39,000 रुपये तक की। अब ये टाटा निक्सॉन। निक्सॉन भी एक 5 सीटर कार है और इंडिया में डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन के ऑप्शन मिलती है। इसकी लंबाई है 3993 mm की, जो कि 2 mm छोटी है वेन्यू से, और चौड़ाई है 1811 mm की, यानी चौड़ाई ज़्यादा है वेन्यू से। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन और 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। कार की एक शोरूम कीमत है 6,95,000 रुपये से लेके 12,70,000 रुपये तक की। अब आइए लंबाई में सबसे कम कार जो है वो है महिंद्रा थार। महिंद्रा थार एक SUV कार है जो कि सिर्फ डीजल इंजन के ऑप्शन में मिलती है, जिसकी लंबाई है 3920 mm की, यानी ये कार इन सब में सबसे छोटी कार है लंबाई में, और चौड़ाई है 1726 mm की। इसमें 2.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है और कार की कीमत है 9,59,000 रुपये से लेकर 9,99,000 रुपये तक की। तो ये 10 वो SUV गाड़ियां हैं जो कि 10 लाख रुपए के अंदर आती हैं और छोटी SUV कार है। इनमें सबसे छोटी जो है लंबाई में वो महिंद्रा थार है, उससे कम निक्सॉन है। तो आपको इन कारों में कौन सी कार अच्छी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए।